अच्छा नेक्स्ट है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्सपैंड होगा तो उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, उसको हमने स्टडी करना है। अब हमें ये पता है कि अगर एक गिवन कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने हीट किया तो एक्सपैंड होने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? हाँ जी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कितनी डिक्रीज होती है उसका हम एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। हमने अभी लास्ट में किया था, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है वी टू, दैट इज वी वन इंटू गामा इंटू थीटा, ठीक है, सॉरी, वी टू इक्वल टू वी वन इंटू वन प्लस गामा थीटा, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम। अब दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट तो वही वाला है तो उसका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, तो दैट मींस हम ये जानते हैं कि एम वन जो है वो एम टू के बराबर है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वी वन डी वन इक्वल टू वी टू डी टू। तो आप वी वन को लिख सकते हो एम वन अपॉन डी वन, और वी टू को लिख सकते हो एम टू अपॉन डी टू। ये दोनों वैल्यूज अगर यहां डाल दें तो एम टू अपॉन डी टू इक्वल टू एम वन अपॉन डी वन वन प्लस गामा इंटू थीटा। अब मास क्योंकि चेंज नहीं होना तो मास कट जाएगा, सेम है वो, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल लिख दें, तो दिस विल बिकम डी टू इक्वल टू डी वन इंटू वन प्लस गामा थीटा रेज टू पावर माइनस वन, ठीक है। यहां पे यदि हम बाइनोमियल लगा दें तो ये पावर यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डी टू हो जाएगा डी वन इंटू वन माइनस गामा थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी ड्यूरिंग थर्मल एक्सपेंशन, लिख लो, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आगे लिख लो, व्हेन व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड थ्रू अ टेम्परेचर थीटा, देन इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ मास। मैथमेटिकली आगे इसे नोट कर लो,
प्रदीप कर लिया नोट? हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू। हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू। यार इतना शोर क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट। ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे, याद है कुछ क्या होता है? बताओ, याद नहीं? यदि हम किसी सब्सटेंस को हीट करना शुरू करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है? जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? या इसको उल्टा कर देते हैं, आपने किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है बाय से 10 डिग्रीज, ठीक है? तो आपको कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है? और दूसरा, उसकी नेचर कैसी है, राइट? तो कभी भी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी को हम क्यू से डिनोट करने वाले हैं, तो जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करना शुरू करेंगे तो जो हीट देनी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर हमने टेम्परेचर रेंज फिक्स नहीं की हुई, हम यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा दैट विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाई। जितनी हीट सप्लाई करते जाएंगे उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो यदि हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो Q इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू थीटा। इसे लिख लेते हैं Q इक्वल टू m इंटू s इंटू थीटा, वेयर s इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। और यदि इसे आपने डिफाइन करना हो तो S हो जाएगा Q अपॉन m into theta, the heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius, ठीक है? लिख लो, the heat energy required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius is known as specific heat of the substance. हाँ जी, हाँ
दोनों से करते हैं बेटा, सी से भी करते हैं एस से भी करते हैं। एम सी, हाँ सी से भी कर सकते हो आप। अब इसके जो यूनिट्स होंगे जूल्स पर केजी पर डिग्री सी, या जूल्स पर केजी पर केल्विन हो सकते हैं, ऐसा यूनिट्स। कर लिया जी। अब जितने भी सब्सटेंसेस है ना, और स्पेशली अगर हम सॉलिड्स की बात करें, तो जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट नहीं रहती, स्पेसिफिक हीट भी वेरिएबल होती है। जैसे अगर हम मान लो आयरन की बात करें, तो 0 डिग्री सी पे उसकी स्पेसिफिक हीट अलग हो सकती है एज कंपेयर्ड टू से 100 डिग्री सी पे। तो अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही मटेरियल की स्पेसिफिक हीट जो है दैट कैन बी डिफरेंट। ठीक है, अब हर मटेरियल के लिए एक हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज डिवाइस टेम्परेचर। डिवाइस टेम्परेचर है, डेबाई एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक थ्योरी बनाई। अकॉर्डिंग टू दैट जो स्पेसिफिक हीट होती है मटेरियल्स की वो होती है 3R के बराबर। R है जो तुम वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ते हो। इसके पीछे उसका लॉजिक क्या था कि हम ऐसा बोलते हैं कि सारे मटेरियल्स एटम्स से बनते हैं और सारे एटम्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, या अगर आइडेंटिकल नहीं भी होते स्टिल वो जब हीट एनर्जी गेन करेंगे तो उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो कंसिडरिंग के ऑल ऑफ देम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो सबको अगर हम इक्वल नंबर देख लें, जैसे वो तुमने पढ़ा हुआ ना कि 22.4 लीटर कब होता है वॉल्यूम, क्या होता है वो स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस विल हैव, वो उसने गैसेस के लिए बोला है। ठीक है, लेकिन यह मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह कि वो 1 मोल की बात कर रहा है। 1 मोल यानी ए फिक्स नंबर ऑफ एटम्स या फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ एज्यूमिंग कि सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकली बिहेव करते हैं, तो डेवाई का ये बोलना था कि यदि हम किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे तो उस 1 मोल की जो स्पेसिफिक हीट आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3R। इसलिए ये जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की, तो दिस इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो पहले हम मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिख लो मोलर स्पेसिफिक हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर
ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट. तो जो बेसिक डिफरेंस है, जब हमने स्पेसिफिक हीट की बात की थी वहां हमने बोला था यूनिट मास के लिए, यहां पे हम वन मोल के लिए कह रहे हैं, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. नेक्स्ट लिख लो डिवाइस टेम्परेचर. The temperature at which a given substance has molar specific heat equal to 3R. आगे ब्रैकेट में लिख लेना आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. इज नोन एज डेबाइस टेम्परेचर फॉर दैट सब्सटेंस. समझ में आया? फिर एक टर्म और है विच इज नोन एज हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट लिख लो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी. हाँ जी, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी. हमने ये फॉर्मूला किया Q इक्वल टू MS थीटा का, ठीक है. यहां हमने बोला कि कोई सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस का यदि हम 1 केजी लेंगे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कुछ और होगी, 2 केजी करेंगे तो हीट एनर्जी डबल हो जाएगी, 3 केजी करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है. लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मान लो कोई बर्तन है जिसमें हमने पानी को गर्म करना है, कोई एक जग है, तो जग का मास फिक्स होगा और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना है तो उसकी स्पेसिफिक हीट भी फिक्स होगी. तो ये जो दो चीजें हैं उसके लिए दोनों फिक्स है, राइट. तो अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाना है तो कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जितनी हीट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए लगती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं. तो लिख लो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट by 1 degree C is known as heat capacity, is known as heat capacity or thermal capacity of the object. आज इतना ही करते हैं.